सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया और मज़े में होंगे। और ऋषभ सो रहा है और सुबह के बज गए हैं 6 के ऊपर हो गया है। और ऋषभ का स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, अब और जल्दी होता है उसका स्कूल। तो एनीवेज, ऋषभ को तैयार करता हूँ, स्कूल भेज के आता हूँ। कौन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है? मैं लग रहा हूँ। अरे भाई, मैं लग रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ। चलो सफाई कर दो, सबको कह दो मैं स्कूल जा रहा हूँ। इधर देख के बोलो बाय, स्कूल जा रहा हूँ। और ऋषभ कभी भी झूला नहीं झूलता है, तो आज मैंने इसको जबरदस्ती झूले पर खड़ा कर दिया। मैंने कहा झूलो, और उसके बाद चला गया था मैं ऋषभ को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अपनी हेयर कटिंग कराने। और ये बगल में ही शॉप है और 7 बजे खुल जाती है। मैंने कहा कि चलो हेयर कटिंग करा लेते हैं। तो ऋषभ भी घर पे आ चुका है और मैंने अपना हेयर कट भी करा लिया है। और मैंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बोला कि 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, बट इतने छोटे बाल कर दो मेरे कि कम से कम 2-3 महीने बाद आने पड़े और ऋषभ भी बाल कटवाने हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी है इस समय लखनऊ के अंदर, मतलब कि आग बरस रही है इस समय। तो मैं ऋषभ को नहीं लेके जाऊँगा और ऋषभ को कपड़े उतार देता हूँ जल्दी से। और पूछ देख लीजिए आप लोग, गाइस ऋषभ की पूछ देख लीजिए आप लोग। अभी मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट पे और बहुत ही भीषण गर्मी है यहाँ पे, एकदम हालत ख़राब है और इसी के चलते कस्टमर भी बहुत कम है। तो दिन की शुरुआत होती है रेस्टोरेंट पे क्लीनिंग से, और रेस्टोरेंट पूरा क्लीन हो रहा है। और मेरा हेल्पर छुट्टी पे है 10 दिनों से, तो शेफ़ को ही सब मैनेज करना पड़ रहा है अकेले। और शेफ़ चाहे क्लीनिंग भी कर देता है, वॉशिंग भी कर देता है, सब कर देता है। और दिन में ज़्यादा वीडियोस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ये शाम के वीडियोस हैं। और आज दिन भर से मॉकटेल्स और कोल्ड कॉफ़ी के बहुत से ऑर्डर्स लगे हुए थे। और ये मॉकटेल बन रहा है मिंट का। और बीच में मैंने एक नया हेल्पर भी रखने की कोशिश की थी, बट वो अनट्रेंड था, कभी वो मेरा चेहरा देखता था, कभी मैं उसका चेहरा देखता था। और जब कभी ऑर्डर्स लग जाते थे तो फिर बीच में खड़ा हो जाता था, तो मैंने उसको निकाल दिया। और बर्गर्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं और ये फिर से एक मोजितो का ऑर्डर लगा हुआ है। और सब लोग कस्टमर्स जितने भी होते हैं ना, वो सब मोजितो मोजितो बोलते हैं, तो मेरी भी आदत लग गई मोजितो, बट एक्चुअली में ये होता है मोइतो मोइतो, हाँ ऐसे ही होता है। और ये जो बेल बजी थी ना अभी, ये एक्चुअली है जितने भी टेबल ऑर्डर्स रखते हैं, किसी कस्टमर्स को बुलाना हो या ऑर्डर देना है तो फिर वहाँ पे बेल सिस्टम करके रखा हुआ मैंने, तो बेल से आसानी हो जाती है। वहाँ पे एक परमानेंट वेटर रखने की ज़रूरत नहीं है, जिस किसी कस्टमर को कुछ ऑर्डर करना होता है वो डायरेक्टली बेल बजा देता है। तो फिर यहाँ से हम लोग टेबल देख लेते हैं। और ये कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर लगा हुआ है, 3-4 कोल्ड कॉफ़ी हैं और ये सब भी फ्रेंड हो गए हैं शेफ कोल्ड कॉफ़ी, और ये सब बना लेते हैं। और हम लोग सेपे पाउडर यूज़ करते हैं, उससे बहुत ही थिक कॉफ़ी बनती है। और मेरे लिए कभी कभी दिक्कत रहती है, लाइक मुझे डिलीवर भी करना पड़ता है, कॉल्स भी अटेंड करनी पड़ती है, बनाना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो शेफ लोग नहीं बना पाते हैं, उनको अभी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, तो फिर मुझे ही लगना पड़ता है उसके लिए। और ये ब्लू लगून है। और उसके बाद में रात में तकरीबन 10:30 बजे आसपास ये एक 6 थालियों का ऑर्डर लग गया है, महाराजा थाली। और ये दूसरी आईडी है एक रिसलिंग करी के नाम से, तो उस पर ऑर्डर आया हुआ था। तो ये सब भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। और गुलाब जामुन हम लोग बाहर से लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपने रेस्टोरेंट में बनाना पॉसिबल नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि गुलाब जामुन है, ये सब चीज़ें हम लोग हेडेक नहीं लेते हैं रेस्टोरेंट बनाने का। अभी बच गए रात के 11:30 और जस्ट अभी भी बढ़ा के रेस्टोरेंट जा रहा हूँ घर, और हालत ख़राब हो गई है। मैं सो भी नहीं पाया था रात में, और अब वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हो गया है। चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ऋषभ को सुला उला दूँ तब बात करूँगा। क्या ऋषभ, ये हेडफोन के सारे काम करता है क्या? ये हेडफोन। अच्छा, दीदी का तो हेडफोन खराब, इसलिए मेरा दीदी का तो हेडफोन खराब। अच्छा, मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा। अच्छा हाँ।